कैसे हो गाइस आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। तो आज का वीडियो जो कि यूँ है कि आज मेरे घर पे चैनल वाले आए हैं मेरा छोटा सा इंटरव्यू लेने के लिए, और काफ़ी टाइम से मुझे ईमेल आ रही थी बट आई एम सो कंफ्यूज अबाउट कि मैं क्या करूँ। फेक होगा, ये लोगों को समझ नहीं था आ रहा, लेकिन उनसे मेरी बात हुई तो जो फिर उसके बाद मतलब काफ़ी टाइम से बात होती रही, फिर काफ़ी टाइम से कांटेक्ट हो रहा था तो फिर मैंने फाइनली उनको घर पर बुलाया। तो आज मैं घर पे आया हुए ड्राइंग रूम में बैठे हुए, तो पानी वगैरह पी रहे हैं। तो अब ये है कि थोड़ी देर तक इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ कि क्या सवाल जवाब होंगे, क्या बातें होंगी, तो यही मेरे साथ रहेगा बस। तो फाइनली गाइस मोइन जो है असलम भाई खड़े हुए, ठीक है, और इंटरव्यू चल रहा है पॉमी के रूम का और लोग वगैरह उन्होंने पकड़ा हुआ है। तो काफ़ी खान आप देख रहे हैं सीएनबीसी इस वक्त में मौजूद हूँ कश्मीर कॉलोनी के अंदर, जो कि महमूदाबाद के अंदर एक छोटा सा इलाका है और गरीब इलाका है। यहाँ पे मैंने पहले सुना था कि यहाँ पे कोई ब्यूटिशियन ब्यूटी पार्लर चलाते हैं घर में, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था उसके बाद इन्होंने घर में अपना काम शुरू किया, तो मुझे पता चला कि बहुत मुनासिब पैसे में और अच्छा काम कर देते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना इनको जाके देखा जाए कि ऐसे लोग भी हैं जिनको हम बड़े बड़े लोगों को हम चलाते रहते हैं, तो आज गरीब लोगों को भी जाके देखना चाहिए और हमारा काम है, मेरी जिम्मेदारी है कि उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरीके से वो काम करती हैं और क्या काम करती हैं, कितने मुनासिब पैसे में काम करती हैं। तो आइए मैं चलता हूँ ब्यूटी पार्लर के अंदर और दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से काम करती हैं। कितने सालों से काम कर रही, इससे पहले आप कहाँ करती थी काम, अब आप घर में कर रही, तो कहाँ पहले काम करती थी? इससे पहले मैं सलून में होती थी और मैंने मार्केटिंग में भी जॉब की है और काफ़ी एक्सपीरियंस है मेरा, और अब ये है कि मैं घर में कर रही हूँ। कितने सालों से आप काम कर रही हैं? 5 साल। अच्छा, 5 साल आपने बाहर जो काम किया ब्यूटी पार्लर में अंदर, कहीं क्या बोलते हैं, दिहाड़ी बोलते हैं, तनख्वाह बोलते हैं, मुझे नहीं पता आपका, तो वहाँ पे कितने साल काम किया और अब यहाँ पे कब से काम कर रही हैं? वहाँ मैंने 5 साल काम किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा ये है कि लॉकडाउन में भी मैंने अपना वर्क किया घर के अंदर, क्योंकि काफ़ी सलून हर चीज़ बंद थी टोटली, तो ज़्यादातर लोग घर पर ही आ रहे थे मेरे पास और काफ़ी मतलब वो बेनिफिट बिल्कुल रहा है मेरे पास। और तो यहाँ पे छोटे से इलाके में आप बैठी हैं इस कमरे के, छोटे से कमरे के अंदर यहाँ क्लाइंट कैसे आते हैं आपके पास? लॉकडाउन में मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था यूट्यूब का और मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मुझे सब लोग इतना प्यार और इतना सपोर्ट देंगे कि इतनी जल्दी मुझे लोग जानने लग जाएंगे। तो मेरे चैनल के थ्रू मेरे 70% मेरे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं सेटिस्फाइड होकर, मेरा वहाँ पर मेकअप देख कर मेरे पास आते हैं मुझसे मेकअप करवाने, और बहुत बड़े बड़े लोग भी जो मेरे पास आते हैं मेकअप करवाने सेटिस्फाइड होकर मुझसे जाते हैं। क्योंकि तकरीबन मैंने देखा कि बड़ी बड़ी जगहें होती हैं, खूबसूरती जगह होती हैं, शीशे लगे होते हैं और आप एक इस जगह पर काम करती हैं, तो आपको कैसा लगता है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देख के बात बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि खुदा इतनी बरकत देगा, तो मुझे यकीन नहीं होता कि सबने मुझे इतना सपोर्ट किया। तो आपके पास ये नहीं कोई अच्छी जगह ले लें आप वहाँ पर करें, क्या आपके पास मतलब क्या प्रॉब्लम है आपको? बस ये कि थोड़ा अर्निंग का है और जो कि मैं कर रही हूँ अभी, इंशाल्लाह बहुत जल्दी यूट्यूब की पेमेंट भी आने वाली है जो कि मैं अपने चैनल पर ज़रूर शेयर करूँगी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ मैं चैनल का ज़रूर यहाँ पर लें ताकि सब लोग देख सकें। जो लड़कियाँ कुछ ऐसी हैं, जो वुमेन्स ऐसी घर पर हैं, वो नहीं वर्क कर पा रही, नहीं आगे बढ़ पा रही, वो एक यूट्यूब के चैनल के थ्रू आगे बढ़ सकती हैं। अच्छा, आपने अपना YouTube चैनल बनाया उसके हवाले से आप यहाँ पर, तो मैं भी देख के यहाँ पे आया हूँ कि आपका इतना अच्छा काम है, लेकिन जब मैं यहाँ घुसा हूँ तो मैंने देखा यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वाकई आपका काम, आपका नाम नहीं आपका काम बिक रहा है, क्योंकि किसी की शक्ल प्यारी नहीं होती, काम प्यारा होता। तो आप किस तरीके से मेकअप करते हैं, क्या क्या करते हैं? मेरे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं और मैंने बहुत मेहनत की है जगह पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी मम्मा की डेथ से पहले ही मेरी मम्मा ने कुछ पैसे मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करवाए थे, जिससे मैंने अपना कोर्स किया, पैसों को मैंने वेस्ट नहीं किया, अपना मैंने कोर्स किया और साथ ही मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर ली और साथ ही काफ़ी एक्सपीरियंस मैंने हासिल किया, क्योंकि मैं साथ साथ काम करती रही और प्रोडक्ट्स मेरे बहुत अच्छे होते हैं। मैं बेशक कम प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छी कंपनी की यूज़ करती हूँ, आज तक मुझे कोई कंप्लेन नहीं मिली किसी प्रोडक्ट के हवाले से, हर कस्टमर बहुत सेटिस्फाइड होकर जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर मकसद आप ये अपना घर है या रेंट का है, क्या है? जी मेरा अपना घर, तो इसी में आपने कोई अपने नीचे को नहीं भेजा था खूबसूरती से बनाने, ताकि और अच्छे तरीके लोग यहाँ पे आए? एक्चुअली मेरे फिल्म से
बहुत ख्वाहिश थी कि कुछ अपना सेटअप करना है, तो कुछ अर्निंग कर रही हूँ मैं और कुछ मेरी यूट्यूब की पेमेंट आएगी, तो इंशाल्लाह ये कि मैं अपना बहुत अच्छी जगह से लॉन्च करूँगी। तो आगे आपका और बढ़ने का क्या इरादा है, क्या कहेंगे आप और आवाम को क्या मैसेज देंगे? बस मेरा एक सपना है, एक ड्रीम है कि मुझे अपना सैलून खोलना है और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं सैलून खोलूँगी। मुझे खुदा पर अल्लाह पर बहुत एतबार है, यकीन है कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो मैं अपना कारोबार भी जल्द स्टार्ट करूँगी। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने आप को ये नहीं कि बिल्कुल ही डाउन कर देना, नहीं, लाइफ में अप डाउन आते हैं लेकिन हमेशा आगे बढ़ो और हिम्मत रखो और अपने अंदर एक काबिलियत पैदा करो कि आप कुछ कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आप बच्चियों को सिखाती भी हैं और क्लाइंट आते हैं उनको तैयार भी करती हैं, तो और जो बच्चियाँ घरों में बैठी हैं उनको क्या मैसेज दें कि यहाँ पे आना चाहिए, काम सीखना चाहिए? बिल्कुल, जो मेरे पास आना चाहता है वो मुझे कॉन्टेक्ट करके आ सकता है, और काफ़ी लड़कियाँ आती भी हैं जो मुझसे सीख चुकी हैं। और उसके अलावा मैं एक चैनल ऐसा है कि मतलब जो लोग फंक्शन हो, बड़े से बड़ा फंक्शन हो, वहाँ जाने की जरूर कोशिश करती है और अपने आप अपने चेहरे को ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत बनाकर जो है मेकअप कर जो है खासकर जो है फैमिली के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको अटेंड करना जानती है। लेकिन कराची के अंदर अब बात करें एक छोटी सी ब्यूटिशियन का, लेकिन उन्होंने बहुत जल्द यूट्यूब से अपने नाम पैदा किया और आज जो है बहुत ज्यादा वो कराची के अंदर फेमस दिखाई देती है। पोमी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इन्होंने बहुत जल्दी जो है तरक्की की है ब्यूटिशियन की दुनिया में, तो पम्मी कैसा देखती है अपनी ब्यूटिशियन की दुनिया को और कितनी जल्दी तरक्की करती हुई आपने देखा कि लॉकडाउन के फौरी बाद आपने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली, तो इस पे क्या कहेंगे और लोग आपके बहुत ज्यादा मेकअप करवाने भी आ रहे होते हैं? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने लॉकडाउन में अपना काम स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल पर, उससे पहले मैंने ब्यूटिशियन का मैंने कोर्स किया और मैंने बहुत से सलॉन्स में काम भी किया ये, और बहुत सा हुनर मैंने हासिल किया। उसके बाद मैं स्टेज पे पहुंची और मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि कैमरे को कैसे देखकर बोलना है, क्या करना है। स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल हुई, बट आहिस्ता आहिस्ता सबने बहुत प्यार दिया, बहुत सब्सक्राइबर्स मैंने बढ़े। मेरे इस वक्त 23,000 सब्सक्राइबर्स हैं जो कि 4 महीने में मैंने कम्प्लीट करे हैं, और मेरे 1 महीने में चैनल मेरा मोनिटाइज हो गया था। इंशाल्लाह मेरी एंड ऑफ दिसंबर तक मेरी पेमेंट भी आ जाएगी यूट्यूब की, और बहुत अच्छी पेमेंट बनी है जो कि मैं आप सबके साथ शेयर भी करूँगी यूट्यूब चैनल पर। अच्छा, ये बताइए इस मुकाम में लाने में आपके सबसे बड़ा हाथ किसका है? मेरी वालदा का। अच्छा, वालदा आपकी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके लिए क्या पैगाम छोड़ेंगी आप? बस यही कि मैं उनको थैंक यू करना चाहूंगी हर चीज के लिए कि उन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, और आज वो मेरे साथ होती तो यकीनन बहुत खुश होती और बहुत प्राउड फील करती कि मेरी बेटी यहाँ तक पहुंची कि दुनिया उसको जानने लग गई है। मैं किसी बाजार तक जाऊँ, अपनी गली मोहल्ले तक जाऊँ तो मुझे मेरे फैंस मिल जाते कि आप पोमी है, मुझे यूट्यूब पर आती है, मैं आपका मेकअप वॉच, तो बहुत खुशी होती है। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि इन सब कामों के पीछे मेरी वालदा का हाथ है। यकीनन वालदा वो ऐसी शख्सियत है, अगर उनका हाथ, शफकत का हाथ आपके ऊपर आ गया तो यकीनन आप तरक्की करती हुई दिखाएंगी। यही कुछ जो है पोमी के साथ भी रहा, उनकी भी तरक्की का अमल दखल उनकी वालदा ही पर रहा। जी अच्छा है, तो हमें शक्ल या नाम या जगह से क्या लेना, तो मैं इनसे पूछता हूँ कि ये क्या कहेंगे कि अपनी इन्हें इस काम में कैसे आई और किसने इनको सपोर्ट किया, क्या कहेंगे आप अपने वालदा के बारे में? मैं ये कहूँगी कि आज जो कुछ भी नहीं कर पाती थी लाइफ में, और जाने से पहले मेरी मम्मा मेरे लिए बहुत कुछ कर ही गई है। ये घर हर चीज़ मेरी मम्मा ने मेरे लिए किया है, और जाने से पहले मम्मा ने मेरे अकाउंट में कुछ डिपॉजिट करवाए थे पैसे, जिनके बिना भी मैंने रोज कॉलेज से मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया और माशाल्लाह से मैं बी ग्रेड आया। कितने दिन आपने काम सीखा? मैंने 6 मंथ का कोर्स किया था फुल ब्यूटिशियन का रोज कॉलेज से, और काफ़ी अच्छा कोर्स हुआ मेरा वहाँ से, मैंने माशाल्लाह से बी ग्रेड हुआ मेरा। और उसके बाद मैंने क्रिकविस्टा में जॉब की एज अ मेकअप आर्टिस्ट, उसके बाद मैंने यूनिलीवर में काम किया एज अ मेकअप आर्टिस्ट। तो बस मैं यही कहूँगी कि आज मैं जो कुछ भी सिर्फ और सिर्फ की मुमा यूनिलीवर तो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उसको आपने क्यों छोड़ा? मैंने एक साल काम किया था, मेरा बहुत अच्छा पैकेज भी था, बट मार्केटिंग क्या पता है, कोई टाइमिंग नहीं है, कुछ लेट आवर्स घर से आना जाना, तो मतलब एक टाइम पर बहुत फेडअप हो गई थी। बस मैं ये चाहती थी कि काम बहुत कर लिया लोगों के अंडर, अब जो भी करना है खुद करना है, अपने ऑन से करना है। यानी आपकी माँ ने आपको बहुत सपोर्ट, क्योंकि अक्सर लड़कियों को घरों से बाहर नहीं हमारी कम्युनिटी के अंदर जाने देती, तो आपको कैसे यानी माँ ने जाने दिया, तो क्या कहेंगे? मेरी माँ जब ये हमेशा यही कहती थी, प्यार से मुझे राजा बोलती थी, मुझे यही कहती थी कि तुम मेरा बेटा हो, और मैंने हमेशा मेरे बेटों की तरह जो है ना, मेरी माँ मुझे बहुत खुश में ही
सवाल करती थी हर बात पर, हर चीज़ पे, और खुली इजाज़त दी थी मुझे कि जॉब करो, पढ़ो। और मैंने काफ़ी स्टडी भी करी अपनी, बहुत से कोर्सेज भी किए। तो मम्मा मेरी खुद नर्स थी, तो मम्मा भी चाहती थी मेडिकल में जाओ, मेडिकल ज्वाइन करो। बट मैंने एक साल का कोर्स भी किया, बट इंटरेस्ट नहीं था। तो मेरे शुरू से मुझे मेकअप और सब चीज़ों में इंटरेस्ट रहा। तो मैंने मम्मा ने मुझे एक ही बात बोली थी, या तो नर्सिंग कर लो या ब्यूटिशियन कर लो, ऐसा कोर्स है ये कि आप कभी भी भूखे नहीं रह सकते, रोड पर बैठ जाओ, कमाने कमाने। जी बड़ी खूबसूरत बात की क्योंकि इनकी माँ ने इनकी सपोर्ट की और बड़ी जिद्दोजहद करके यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँची। लेकिन इनकी फिर ख्वाहिश है कि मुझे बहुत अच्छा कोई जगह मिले, हम काम कर सकें। तो आप लोग यहाँ पे आएँ और देखें और काम को पसंद करेंगे तो यकीनन आपको कुछ पता चलेगा। मेरे कहने से कोई फ़ायदा नहीं, आप खुद आएँ और आकर देखें। फाइनली अब सब कुछ वाइंड अप हो चुका है और आयशा ने बहुत बहुत साथ दिया, थैंक यू सो मच के आयशा का। तो चलते हैं फिर आयशा से कुछ बात करते हैं। आयशा हेलो, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और इसने आज मूड नहीं था इसका कुछ भी करने का, सिचुएशन ऐसी थी। बट आई होप के यार आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छी लगेगी, और बाकी ये कि चैनल पे जब चलेगा तो वो भी आप लोगों को बेस्ट ही लगेगा। आप लोग कमेंट करते हो, जब आपको वर्क हो जाता है तो वो शो अप नहीं होता यार, थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ को एडिट होने में। सोनिया भाभी लोग को हम लोगों ने शूट करवाया, उसको प्रोमो वीडियो ना, प्रोमो वीडियो यार शूट जब होता है ना, इंसान जाहिर सी बात है आपको पता है उस पर एडिटिंग होती है, उसको तैयार करने में पूरा जब मुकम्मल होता है उसके बाद ही शो अप होता है। आप जिन जिन्होंने शूट करवाया वो उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं करवाया उनको नहीं पता होगा कि फील्ड कैसी होती है और कितना टाइम लगता है, कितना कैसे वर्क होता है। तो हमने कोई खाली कैमरा नहीं दिखाया शो अप करवाने के लिए, हम घर पर भी कर सकते थे, खाली कैमरा दिखा के शूट हो जाता, उसके बाद हमारी व्लॉगिंग खत्म हो जाती। तो ऐसा कुछ नहीं, हम ख्वार नहीं है, बाहर जाए इतना शूट किया, भूखे प्यासे इतनी मेहनत करी इस बंदी ने, ना खाना खाया ना हमने खाया, दो दिन हमारे वेस्ट हुए, फोटोग्राफर हमारा तीसरा दिन लग चुका था बेचारे को। तो आप खुद सोचो इतनी मेहनत कौन करेगा। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हो इसको, और आप लोगों का प्यार है ये कि आप लोग इतना सारा प्यार दे रहे हो। और मैं वैसे भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि अगेन अगेन ऐसा करें, आप लोग इसके चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आगे से आगे शेयर करें जैसे मैं कर रही हूँ, और इसको बहुत सपोर्ट करें। और इसको बोले कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत हमेशा रखनी चाहिए जैसे मैं रखती हूँ, मुझे कोई कुछ भी कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो इसको इस चीज़ को थोड़ा सा लाइट लेना चाहिए, लोग इसको बुरा कह रहे हैं कुछ भी कह रहे हैं यार, अवॉइड करना चाहिए इसको ये चीज़। आप लोग कमेंट्स में भी बताइएगा कि प्लीज़ ऐसा ना हो कि रोना धोना, परेशान होना, चैनल को बंद कर देना या सेल आउट कर देना। अभी मैं रिसेंटली इससे सुना था कि इस चैनल अपना सेल आउट कर लिया है, कोई रीज़न नहीं है, रीज़न सिर्फ इतना सा है कि कुछ लोग अगर आपको कुछ कहेंगे तो आप खत्म कर दोगे, यार ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने अपनी वीडियो में भी इसका मेंशन किया था, कोड वर्ड में बोला था, बट ये समझती नहीं है इस चीज़ को, लोग होते हैं खत्म करने के लिए, तो हमें खत्म नहीं करना चाहिए। अगर हम लड़के हैं तो हमारा राइट है, हम जो मर्जी करें, किसी के बाप का कुछ नहीं जाता, सीधी सी बात है। तो आप लोग इनको सपोर्ट करें और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें। और हाँ, मेरी सिस्टर का एक चैनल है रूबी लाइफ के नाम से, उनको भी जाके विजिट करें, और अगर उनकी वीडियोज को किसकी होती है डिफरेंट वीडियोज होती है उनको भी जाके सपोर्ट करें, और ऐसे ही बहुत सारा प्यार करते रहे। और चैनल की जो वीडियो है वो आपको कल या परसों इंशाल्लाह इसके यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी। आज इंटरव्यू हुआ है बहुत अच्छा रहा है, और वो लोग चले गए, और अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। अभी उसने मुझे चाय बना के दिए तो मैं चाय पीने लगी, और अब मुझे जाना है अभी घर। तो आप अभी मम्मी से बात करो और उसको कैसा लगा ये आप उससे पूछ सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, जो कि मैं आपको बता चुकी हूं। तो बस यूं ही सपोर्ट करती रही है मुझे, और मिलते हैं मेरी न्यू वीडियो के साथ। हाफिज़।